इनके एरिया सरना समिति के द्वारा केडीएच में करम पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इनके एरिया के रैयत विस्थापित मोर्चा अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कर्मा के गीतों पर डांस किया। इस मौके पर रंथू राव, विनय खलको, धनराज भोक्ता, राजेंद्र उराव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इनके एरिया सरना समिति के तत्वाधान में कर्म पूर्व संध्या का आयोजन किया गया है। इस कर्म पूर्व संध्या के शुभ अवसर पर जो कर्म डाली को ला के हम लोग जो पूजा करते हैं, इसको थोड़ा संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे और दोनों भाई बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। तो कर्मा भाई जो है बिजनेस करते थे और बिजनेस करते करते वो नमक का बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर चले गए और उधर से बहुत सारा अन्न धन दौलत कमा के वो लौट रहे थे। इसी में कर्मा संदेशा भेजा है कि बड़ा भाई कर्मा आ रहा है धर्मा को, अब आए अपने गांव को लेके और गाजे बाजे के साथ हमको स्वागत करे। लेकिन उस संदेशा भी अनदेखा किया गया और दूसरा को भी भेजा गया, उसमें भी अनदेखा किया गया, तीसरा को भी भेजा गया तो अनदेखा देखा किया गया। तो उन्होंने गुस्सा करके आया घर, घर के आंगन में देख रहा है कि धर्मा और जितने लोग को भेजे सबको यहाँ नाच गान कर रहे हैं, कर्मा के गाड़ा हुआ है उसमें सब झूमर नाच रहे हैं, सब कुछ नाच रहे हैं और नाच रहे हैं। और उससे वो गुस्सा के आके जो कर्म डाली थी और जो पूजा के जो सामान थी उसको लात दिए और उखाड़ के फेंक दिए। इससे उनको बहुत हानि हुआ और जो भी धन संग्रह करके लाए थे धीरे धीरे उसके हाथ से चला गया। और ऐसा परिस्थिति आ गया कि उन्होंने इतना खाने के लिए भी उसके अनाज नहीं मिला। तो बहुत सारा अति करने के बाद उसको एक भविष्यवाणी हुई कि आप कर्म राजा को अपमान किए हैं, आप उसको पूरा स्वागत करके नहीं लाइएगा तो आप इसी तरह से कंगाल रहिएगा बोल के। तो फिर इन्हें आकाशवाणी को सुना और इनको सात समुंदर पार गए लाने के लिए। लाने गए तो उसमें भी भूख लगता था, कुछ खाने के लिए तोड़ते थे, डूमर डूमर को जब तोड़ा तो देखा कि उसमें भी पिल्लू है। पानी पीने जाते थे तो वहाँ पानी उठाते हैं तो कीड़ा हो जाता है। और गाय चर रही थी तो गाय का दूध को भी वो पीना चाह रहे थे दूह के, लेकिन उसमें भी कीड़ा निकला। ऐसे करके बहुत सारे उनके परीक्षाएं हुई और अंत में जाके वो कर्म देवता से क्षमा मांगे, बोले कि चलिए हम पूजा पाठ सब कुछ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे बोल के। फिर सात समुंदर गए, पहुंचे, फिर वहां से उनका कर्म देवता को लाए और घर में स्थापना किए और पूजा पाठ किए पूरे गाँव वालों के साथ। और इसी तरह से फिर धन दौलत बरकत होने लगा। एक कृषि को लेकर हम लोग को जो नया फल है कृषि को लेकर ये पूजा पाठ होती है, हम लोग का कर्म, हम आदिवासियों का कर्म। ये कृषि जो है कृषि पर निर्धारित है, जो हमारा नया जो फल लगाते हैं उस पकने का काम करता है, यही इनका कहानी है।
और सभी कोलांचल वासियों को, यहाँ के खलारी वासियों को, झारखंड वासियों को इस कर्मा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज कर्मा पूर्व संध्या एनकेरिया टकरा में सरना समिति की ओर से जो हर साल के भांति इस ढंग से यहाँ पर मनाते आ रहे हैं, इन साल भी उसे हम लोग कर्मा को मना रहे हैं। और हम लोग की खुशी की बात है कि यहाँ पर हम लोग कोयलांचल एनकेरिया में कहे तो कर्मा हम लोग जितने यहाँ पर हैं आदिवासी लोग, हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और जिस ढंग से जो कर्मा के विशेष आपका बड़े भाई रंथु बता दिए, तो खास करके कर्मा धर्मा कहे दोनों भाई थे और उसी के देन है आज उनका पूर्वज जो मानते आए हैं और उसी को हम लोग मान रहे हैं। उनका एक बहन था और भाई के लिए एक बहन ने भी उपवास किए, अपना जिस ढंग से भाई के लिए उपवास किए ताकि भाई फले फूले और हम लोग भी फले फूले। वो जैसा देखो कहिए तो हम लोग के झारखंड में खास करके कहिए तो कर्मा ऐसा है त्यौहार है कि फर्स्ट हम लोग के त्यौहार सब त्यौहार के ले करते हैं, जैसे जितिया हुआ, दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, वो कहिए तो नया नया इसमें हम लोग के फल फूल मिलता है, मकई हुआ, धान हुआ, खुरपी सुरगुजा। तो देखिए यहाँ पर बच्चिया लोग ने जवाब भी रखते हैं, कुर्थी हुआ, मकई हुआ। तो जैसा देखिए कि कर्मा के बहुत विधिवत से बच्चिया लोग ने विधिवत से पूजा करते हैं और अपना रिंग रच करते हैं। और कहिए तो जितने यहाँ पर जो अपना संस्कृति है धूमधाम से नाच करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसी तत्वधान में हम लोग भी खुशियाँ मनाते हैं घर घर। और जितने अखाड़ा में भाई बहन सब नाच देख करते हैं और जिस ढंग से पूजा होता है, हम लोग के कहिए तो बहुत सबसे बड़ा त्यौहार है और हम लोग का त्यौहार मानते हैं, इसलिए कि हम लोग के संस्कृति है इसका तो हम लोग भूलेंगे कभी नहीं। और जितने हम लोग यहाँ भाई बहन माता बहनों सब हम लोग डर जोड़ा के नाचते हैं, गाते हैं, आनंद लेते हैं और कर्मा को डाली को अखरा में हम लोग गाड़ते हैं और कर्मा के डाली को भी ढंग से पूजा होता है। और विशेष इनके एरिया में जितने यहाँ कोयलावासियों हैं, कर्मा के शुभ अवसर पर हम सभी को धन्यवाद देता हूँ अपने ओर से जितना इनके खलारी चाहे गांव जितने हैं तमाम झारखंडी लोग के सबको हम अपने ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। जय झारखंड, जय जोहार।